हेलो चिल्ड्रन, सुप्रभात, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर रॉकिंग। द स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज मंडे एंड द डेट इज 12 अक्टूबर 2020। सो चिल्ड्रन, टुडे इज आवर स्पेशल असेंबली। Can you tell me what is the meaning of special assembly? In special assembly, we learn something special, something new. Yes, today we are going to learn something special, something new. But before start the special assembly, can you tell me what is the promise of this month? October month? Can you tell me? Promise of the month is I will celebrate all the festivals. Yes, in our country, we celebrate so many festivals, different kinds of festivals. What is the name of our country? India. We live in India, right? And in India, there are different religions, different culture, different languages and different festivals. So children, in our country, in India, we celebrate so many different types of festivals. Okay, because in India, there are different religions, right? For example, Hindu, Muslim, Sikh, and Christians. ये कहाँ रहते हैं? ये सारे हमारी कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन होने से पहले क्या है? इंडियंस हैं। ओके, वी ऑल आर इंडियंस। और इंडिया में हम बहुत सारे सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स। पता है आपको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। फर्स्ट इज नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स, फॉर एग्जांपल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, ये क्या है? दीज ऑल आर नेशनल फेस्टिवल्स। एंड सेकेंड इज रिलीजियस फेस्टिवल्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो, सी, देर आर सो मेनी फेस्टिवल्स, राइट? फर्स्ट इज दशहरा, बड़ी बड़ी मूंछों वाला और दस दस सिर वाला कौन होता है? रावण। और रावण का वध किसने किया था? श्री राम ने। दशहरा, हैप्पी दशहरा। इस दिन सच्चाई की जीत हुई थी और बुराई की हार। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दिवाली, फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। जगमग जगमग दीप जलाओ, पूरे घर को जगमगाओ। मतलब इस दिन क्या करते हैं हम? पूरे घर को जगमगाते हैं, पूरे घर को डेकोरेट करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और रंगोली बनाते हैं, दीप जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और सबसे मेन बम पटाखे जलाते हैं, है ना? हैप्पी दिवाली। हैप्पी बैसाखी। हैप्पी बैसाखी। बैसाखी जो है वो पंजाब का मेन फेस्टिवल है। ओके, वी गो टू द गुरुद्वारा एंड वहां जाके अरदास करते हैं और इस दिन मेला भी लगता है, बैसाखी का मेला। और इस मेले में लोग नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, वहाँ ढोल और नगाड़े बजते हैं और बल्ले बल्ले भांगड़ा भी करते हैं। हैप्पी बैसाखी।
फेवरेट है। रंग बिरंगे रंगों से एक दूसरे को रंगते हैं, है ना, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। और पिचकारी से एक दूसरे को रंग फेंकते हैं, है ना। तो ये है हैप्पी होली। और होली का मतलब पता क्या है कि सभी कलर्स, सभी रंग जो है वो प्यारे होते हैं। कोई काला, कोई गोरा, कोई रंग भेद नहीं होता। सभी कलर्स क्या होते हैं, सुंदर होते हैं, प्यारे होते हैं। ओनम, आपको मैम ने इसकी स्टोरी भी सुनाई थी ना, है ना। इस दिन भी घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं एंड वी ईट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीशियस फूड और वी एंजॉय बोट रेसेस आल्सो। हैप्पी ओनम, हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन तो बहन का फेवरेट फेस्टिवल है ना। भाई बहन का प्यार का रिश्ता। इस दिन सिस्टर को कितने सारे टॉय, कितने सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना। बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है ना, प्लाई में राखी बांधती है और उसे बदले में क्या मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन। एंड ईद, ईद हम इस दिन कहाँ जाते हैं, मस्जिद में, और वहां नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और मन में जितने भी भेदभाव, मन मिटाव होते हैं उनको दूर करते हैं। हैप्पी ईद। और जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। हमारे जो माखन चोर हैं उनका बर्थडे होता है ना। और गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी आप लोगों को इसकी भी स्टोरी सुनाई थी ना, गणेश चतुर्थी क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम। तो ये जो हमारे फेस्टिवल्स है, ये सारे कौन से फेस्टिवल्स है, रिलीजियस फेस्टिवल्स। देखा हम लोग कितने सारे फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। इसीलिए तो हमारी कंट्री को क्या बोलते हैं, इंडिया इज कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया इज कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। एंड हो आई विजिट विद गिफ्ट्स एंड चॉकलेट्स ऑन दिस डे एवरी ईयर। बताओ बताओ कौन है ये, सेंटा। और सेंटा टिन 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 घंटी बजाते कब आता है, टिन 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 आया सेंटा क्लॉस। कब आता सेंटा क्लॉस, हैप्पी क्रिसमस डे। क्रिसमस डे को आता है 25 दिसंबर। हैप्पी क्रिसमस कब आता है, 25 दिसंबर। तो चिल्ड्रन, दीज आर आर रिलीजियस फेस्टिवल्स। ओके, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारी कंट्री में कितने सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, है ना। बट आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, इन सब फेस्टिवल्स के आगे हैप्पी 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 क्यों लिखा जाता है। हैप्पी होली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी बैसाखी, हैप्पी दिवाली, क्यों, क्योंकि रिलीजियंस आर डिफरेंट डिफरेंट हो, फेस्टिवल चाहे डिफरेंट डिफरेंट हो, बट द मेन मोटिव इज ओनली वन, दैट इज हैप्पीनेस। क्या है, खुशियों को बांटना, खुश होना, प्यार बांटना, मिलजुल के सेलिब्रेट करना, स्प्रेड हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, लव, अफेक्शन। तो सबका मोटिव एक है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही तो है ना। तो उनके जो सारे फेस्टिवल्स हैं उन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए मस्ती के साथ। ओके, तो लेट्स रिसाइट अ राइम, लिसन केयरफुली। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। ये हमारे त्योहार अनेक, ये हमारे त्योहार अनेक, हम सबको कर देते एक, हम सबको कर देते एक, दूरियां सभी मिटा देते हैं, दूरियां सभी मिटा देते हैं, एक दूजे को करते एक, एक दूजे को करते एक, कभी दशहरा कभी दिवाली, कभी दशहरा कभी दिवाली,
ईद तो कभी है होली, कभी ईद तो कभी है होली, कभी ओनम कभी बैसाखी, कभी है ओनम कभी बैसाखी, सब लोगों की दूरियां मिटाती, सब लोगों की दूरियां मिटाती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब तो हैं भाई भाई, हम सब तो हैं भाई भाई। तो चिल्ड्रन, आज का जो हमारी स्पेशल क्लास थी उसका मेन मोटिव क्या था? वी शुड सेलिब्रेट, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द फेस्टिवल्स बिकॉज वी आर इंडियंस, एंड हमें सभी रिलीजियंस का, सभी फेस्टिवल्स का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, तो बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू।